अभिषेक की इस बात पर गुस्सा होते हुए रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और अभिषेक से कहा, जो अपने परिवार का नाम आगे करके किसी भी चीज पर अपना हक जमाता है। और देखते हुए रिया ने काफी डेयरली यश से कहा, उस इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, ये बात मुझे बलबीर सर ने समझाई थी। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए यश ने रिया से कहा, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम कैसे बॉस बन सकती हो? मेरी तरफ देखो, मैं एक पावरफुल यंग लड़का हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। चलो अब मुझे बॉस कहो। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या सिर्फ यंग लड़के ही प्ले एरिया के बॉस बन सकते हैं? रिया की इस बात पर हंसते हुए यश ने कहा, हाँ अगर तुम मेरी तरह एक यंग डैशिंग लड़का बन जाओ तो तुम बन जाओगी इस प्ले एरिया की बॉस। ये कहते हुए यश खुद में ही हंसने लगा। यश की इस बात को पकड़ते हुए रिया ने यश से कहा, देखो अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो फिर तुम्हें अपने प्रॉमिस पर बने रहना पड़ेगा। यश 8 साल का लड़का था, उसे ये बात पता थी कि कोई भी लड़का चाहकर भी लड़की नहीं बन सकता था और कोई भी लड़की चाहकर भी लड़का नहीं बन सकती थी। इसलिए हंसते हुए उसने रिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है अगर तुम लड़का बन गई तो मैं तुम्हें बॉस कहकर बुलाऊंगा, और अगर तुम अपने आप को लड़के में नहीं बदल पाई तो फिर तुम मुझे बॉस कहोगी और हमेशा के लिए मेरी असिस्टेंट बन जाओगी। दोनों बच्चों ने प्रॉमिस लेते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। अभिषेक ने रिया का हाथ खींचकर उसे धीरे से कान में कहा, देखो मैंने सुना है कि कोई भी लड़की कभी भी लड़का नहीं बन सकती और कोई भी लड़का कभी भी लड़की नहीं बन सकता, ये बैट लगाकर तुम जरूर हार जाओगी, इस बैट से पीछे हट जाओ, इस प्रॉमिस को कैंसिल कर दो। बड़े ही प्यार से धीमी आवाज में रिया ने अभिषेक से कहा, मेरे पास एक रास्ता है, तुम चिंता मत करो। मल्होत्रा हाउस। शाम को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तब रिया ने जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश करके अंजलि मामी के सामने बहाना बनाया कि उसे एक होम असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद रिया ने आर्यन को वीडियो कॉल लगाया। जैसे ही आर्यन ने रिया के वीडियो कॉल का जवाब दिया, आर्यन को देखते ही रिया ने आर्यन से कहा, आई मिस यू माई लिटिल ब्रदर। आर्यन ने ईयरफोन कान में लगाए और रिया से कहा, मैंने भी तुम्हें और मॉम को बहुत मिस किया। रिया ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए आर्यन से कहा, अब बहुत वक्त हो गया है, क्या हमें फिर से अदला बदली करनी चाहिए? आर्यन ने बिना सोचे रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करें, लेकिन तुमने तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है ना, और मैंने सुना है कि स्कूल में लड़कियों की यूनिफॉर्म लड़कों से अलग होती है, आई मीन लड़कियों को तो स्कर्ट पहनकर जाना होता है ना। तभी रिया ने अपनी भोली और मासूम शक्ल बनाते हुए आर्यन से कहा, स्कूल में मुझे कोई लड़का परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी असिस्टेंट बन जाऊं। बस रिया के मुंह से इतना सुनते ही आर्यन के अंदर का भाई अचानक जाग गया। हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करेंगे, उसने रिया से कहा। अच्छा मुझे बताओ स्कूल में और क्या क्या करना होगा मुझे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है, उसने आर्यन से कहा। अरे हाँ स्कूल में बहुत जल्द एक फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा, उस फंक्शन के लिए कुछ बच्चों को डांस परफॉर्मेंस देना है और मैं उस डांस में सेंटर स्टेज पर डांस करने वाली हूँ, सारे बच्चे मेरे आसपास डांस करेंगे, आई विल बी द सेंटर। चलो आर्यन डांस प्रैक्टिस करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वही स्टेप तुम्हें वहाँ पर जाकर करने हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। रोहित मारवा खाना खाकर अपने घर में बने एक कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर जाने लगा। वो इस वक्त आर्यन की साइकियाट्रिस्ट जिसे डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित के पास भेजा था उससे आर्यन की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहा था। बेडरूम में झांकने से पहले रोहित को लगा था कि आर्यन बेडरूम में हमेशा की तरह या तो अपना होमवर्क सीरियसली कर रहा होगा और या तो पढ़ते पढ़ते सो गया होगा, मगर बेडरूम में जाकर रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। आर्यन अपने मोबाइल में देखकर अलग अलग चेहरे बना रहा था, फिर अचानक जब आर्यन डांस का एक स्टेप करते हुए गोल गोल घूमने लगा तो उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े रोहित पर पड़ी। रोहित पर नज़र पड़ते ही आर्यन का डांस एकदम से बंद हो गया, आर्यन के पांव उसी जगह पर जम गए। बाप बेटे कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में बस देखते रहे, फिर अचानक ही रोहित ने जोर से दरवाजा बंद किया और आर्यन की डॉक्टर को फोन करके कहा, मुझे लग रहा है आर्यन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन रिलैप्स होने लगी है। वहां अंदर घबराकर आर्यन ने रिया के साथ वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर ली थी। आर्यन को पता था कि अब कुछ और दिन उसे उसके पापा के बेतुके सवालों का जवाब देना होगा। वह रिया भी समझ चुकी थी कि शायद आर्यन इस वक्त वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता। तभी रिया की स्क्रीन पर एक पॉपअप आया, इंटरनेशनल गेमिंग कॉम्पिटिशन शुरू होने जा रहा था। पार्टिसिपेट करने के लिए रिया को एक फॉर्म भरना था। रिया चाहती थी कि वो गेमिंग फेस्टिवल में जरूर हिस्सा ले, इसलिए उसने तुरंत ही एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया। रिया को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मतलब ये था
कि दुनिया के सामने रिया को अपना चेहरा दिखाना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।